हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनर्स तड़का। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पिज्जा। यहाँ मैंने लिया है बेस, रेडीमेड बेस लिया है मैंने पिज्जा का, तो मार्केट में मिलता है। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स लिया है, आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मैंने यहाँ शिमला मिर्ची लिया है, ग्रीन, येलो, टमाटो, ऑनियन और स्वीट कॉर्न मैंने बॉइल कर लिया है। यहाँ मैंने टॉपिंग्स का ये लिया है मैंने सॉस। यहाँ पर कोई मेन सॉस नहीं यूज करूँगी, ये यूज करूँगी मैं ये पिज्जा सीजनिंग मसाला और ये है चिली फ्लेक्स। अभी हम शुरू करेंगे पिज्जा बनाने का। माइक्रोवेव में बनाए थे हम लोग और एक पिज्जा में बताऊंगी आपको गैस पे। उसके बाद माइक्रोवेव नहीं है वो गैस पे बना सकते हैं। तो मैं आज दो टाइप के पिज्जा बनाऊंगी, एक माइक्रोवेव में और एक गैस पे। यहाँ मैं पहले मैं एक पिज्जा बेस ले रही हूँ प्लेट में, इसमें हम लगाएंगे बटर। अच्छी तरह से पूरा बटर हम अप्लाई करेंगे पूरा सब जगह पे। अब मैंने बटर अच्छी से लगा लिया है, सब जगह से अच्छी तरह से लगाना है बटर। अब ये पिज्जा टॉपिंग्स का सॉस यूज कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से लगाना है, स्प्रेड करना है अच्छी तरह से। मैंने अच्छी तरह से लगवा लिया है पूरा सॉस, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो पिज्जा टॉपिंग्स का मैंने लिया है सॉस, इसमें और सॉस ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें काफी अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसमें हम डालेंगे चीज और इसमें डालोगे मोजरेला चीज, इसको अच्छी तरह से भर के चीज डाल देंगे, पूरा भर देना है उसको। इस तरह से सॉस के ऊपर पहले हम चीज डालेंगे, मैंने सब चीज डाल दिया इसमें। अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा सीजनिंग जो होता है पिज्जा का मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल देंगे इस तरह से, जैसा वेजिटेबल्स आपको पसंद है। ऑनियन इस तरह से डेकोरेट कर देंगे इस तरह से आप। दोस्तों मैं सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, जो इतना चाहिए था मुझे डाल दिया, कितना दिख रहा है ना, कितना कलरफुल। अभी हमें इसमें डालने के चीज। दोस्तों मैंने इसके ऊपर चीज ग्रेट कर दिया है इस तरह से, भर के चीज दीजिए तभी मजा आता है चीज पिज्जा में। अभी हम वही सीजनिंग जो है पिज्जा का हम डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा पिज्जा बनने के बाद भी डाल के हम खा सकते हैं, थोड़ा डाल दीजिए इसमें। अभी हम इसको माइक्रोवेव में बनाएंगे। यहाँ मैंने मटर स्टाइल जो माइक्रोवेव के साथ ही मिलता है, इसमें हम बटर ग्रीस कर देंगे पूरे इसमें, इस तरह से अच्छी तरह से पूरा बटर हम लोग ग्रीस कर देंगे पूरे स्टाइल में, इस तरह से पूरी ट्रे में लगा देंगे बटर। अगर आपके पास स्टाइल नहीं है तो आप इस तरह के स्टील जो मिलता है माइक्रोवेव के साथ इसमें ही बना सकते हैं। इसमें तैयार है माइक्रोवेव के लगाने के लिए, इसको स्टार्ट कर दिया है मैंने। अभी हम माइक्रोवेव कॉन्टिनेंटल हम दो बार प्रेस करेंगे इस तरह से, कॉन्टिनेंटल टू, और इसको हम टाइम देंगे। पिज्जा बनने में 3 या 4 मिनट लगता है, 4 से 5 मिनट भी लग सकता है। मैं इसे 4 मिनट दे रही हूँ, 4 मिनट और स्टार्ट कर देंगे हम बटन। अभी पिज्जा चेक करते रहिए, तब तक हम दूसरा पिज्जा बनाते हैं जो हमें गैस पे बनाना है। ये प्रिपरेशन करते पहले रेडी करते हैं इसे। अभी मैं दूसरा पिज्जा रेडी कर रही हूँ, जिस तरह से उससे बनाया था इस तरह से भी इस तरह से बना रहा है पिज्जा को। अच्छे से बटर लाडो बन गया है माइक्रोवेव में, अभी हम इसे देखेंगे कैसे बनाएंगे। इसे निकालेंगे हम। तो दोस्तों बन गया है पिज्जा, देखिए मुझे टोटल 5 मिनट लगे, मैंने 4 मिनट दिया था और मुझे 1 मिनट लगे बनाने के लिए। देखिए अभी इसे हम कटिंग करके बताएंगे आपको। अभी हम इसे कट करके बताएंगे, मैंने यहाँ लिया पिज्जा कटर, इस तरह से कट कर देंगे बीच में से। देखिए ना सॉफ्ट हुआ है, ना अच्छा हुआ है और गर्म है, तरह से ना सॉफ्ट हुआ है तो यम्मी लग रहा है ना उसका।
चीजी है वो। ओके अभी हम बनाएंगे दूसरा पिज्जा कढ़ाई में। तो अभी हम बनाएंगे गैस पे, जिसका माइक्रोवेव नहीं है वो गैस पे बना सकते पिज्जा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और यहाँ पे मैंने नमक दिया है, हाफ कप से ज्यादा नमक है डाला है ताकि कढ़ाई जले नहीं, पिज्जा ना जले। और मैंने यहाँ स्टैंड लिया है, थोड़ा खड़ा स्टैंड लीजिए ऐसा, इस तरह पिज्जा टच ना हो नीचे इस तरह से। और ढक्कन देखिए हम इसे प्रीहीट करेंगे, ढक्कन आप ऐसा यूज करें ताकि स्टीम ना निकले, इस तरह की ढक्कन अच्छी तरह बंद हो। यहाँ मेरा पिज्जा सेकंड पिज्जा तैयार है, सेकंड पिज्जा जो हम लोग गैस से बनाने वाले हैं। गैस में जो रखा था हमने कढ़ाई वो गर्म हो गया है, अभी सावधानी से प्लेट को उठाइए बहुत गर्म है। दोस्तों कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ऐसे प्लेट लिए है, आप इस तरह स्टील का प्लेट ले सकते हैं इस तरह से। इसमें हम ग्रीस करेंगे बटर का, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे पूरा, इस तरह से प्लेट रख देंगे बीच में सावधानी से आराम से। हम मीडियम गैस पे करना है और ढक के इसे 10 मिनट तक पकाना है, पिज्जा बेक करना है और हम बीच बीच में चेक करते भी रहेंगे। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से केक का टीन का डब्बा है, इस तरह से जो होता है मेटल का ऐसा, उसके नीचे जो प्लेट होता है इस तरह से मेटल का, इसमें भी हम पिज्जा बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बनता है इसे पिज्जा, अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लीजिए इसे। गैस में जो बनाएंगे हम इसमें भी बना सकते हैं और प्लेट में ही बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसमें ही बनाइए पिज्जा, जो गैस पे बना रहे हो। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन निकाल लिया है, अभी हम पिज्जा को निकालेंगे। इस तरह से कुछ हुआ है, हम निकाल देंगे पिज्जा को बाहर। अभी इसे निकाल लिया है, गर्म है, अभी इसे हम इसे काटेंगे जैसे हमने बनाया था, ये भी बन गया, इसे कट कर देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों ये भी कितना सॉफ्ट और अच्छा हुआ है। दोस्तों 10 मिनट से ज्यादा मत कीजिए वरना कड़क हो जाएगा पिज्जा, कढ़ाई में बन रहा है इसलिए 10 मिनट तुरंत बंद कर दीजिए। मैंने इस तरह से बनाया है 10 मिनट में, ये भी कितना सॉफ्ट कितना अच्छा बना है। आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं जिसका माइक्रोवेव नहीं है, देख सकते हैं सॉफ्ट। दोस्तों अभी हम इसे सीजनिंग कर लेंगे, थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग का जो मसाला होता है वो डाल देंगे थोड़ा, और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, एंजॉय करिए, दिख रहा है बढ़िया। दोस्तों जरूर बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी होता है घर पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।